दिल्ली की रोहिणी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 महंगी कारें बरामद की है। इनके पास से क्रेटा, एक होंडा सिटी, 2 i20 और 2 किया सेल्टोस गाड़ी शामिल है। यह गिरोह पिछले 6 माह से 50 से अधिक गाड़ियों की चोरी कर चुका है। गिरोह चोरी की गाड़ियों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बेचता था। विशेष बात यह है कि यह गिरोह मांग के हिसाब से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देता था। गिरोह का एक मास्टरमाइंड मेरठ में लखीपुरा और दूसरा दिल्ली के मंडावली का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि गिरोह की कई अलग अलग टीमें हैं और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। एंटी स्नैचिंग सेल ने एक इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गैंग को बस्ट किया है, जिससे हमें टोटल 10 जो हैं लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। इन्होंने अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जगह से ये गाड़ियां चोरी की, जिसमें कि टोटल 5 क्रेटा, 1 होंडा सिटी, 2 i20, 2 किया सेल्टोस और इसके अलावा कुछ ब्लैंक ऑटोमेटिक कीज़ भी इनसे हमें बरामद हुई हैं। शनिवार को रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर गुरिकपाल सिंह सिद्धू ने बताया कि गत 15 जून को गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 24 में जाल बिछाया और हरियाणा नंबर के किया सेल्टोस कार के साथ 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान नदीम निवासी लखीपुरा मेरठ उत्तर प्रदेश और दीपक निवासी चंदन बिहार मंडावली के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।